नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा मुंबई में हो रही भारी बारिश के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, मुंबई में अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। आपको याद होगा ऑलमोस्ट 14 साल पहले मुंबई में एक ही दिन में 94 सेंटीमीटर बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से मुंबई में फ्लड आ गई थी। तो देखो, 2005 की मुंबई फ्लड से सबक लेते हुए महाराष्ट्र सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे। इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए था मुंबई में, ताकि फ्यूचर में अगर एक ही दिन में 94 सेंटीमीटर बारिश आती है तो मुंबई सिटी पहले से तैयार हो, रिजिलियंट हो, यानी जान माल की कोई नुकसान ना हो अगर इतनी बारिश एक दिन में आ जाती है। लेकिन देखो, महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी एक दिन में 37 सेंटीमीटर बारिश आई, लेकिन इसको भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई मुंबई सिटी, पूरी तरह से जलमग्न हो गई मुंबई सिटी और वहां पे जानमाल का नुकसान हुआ। तो इसके लिए कौन दोषी है? आर्टिकल में कहा जाता है, ये तो देखो साफ तौर पे बताता है पॉलिटिकल विल की कहीं ना कहीं कमी है, बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी है स्टेट मशीनरी में, लैक ऑफ इंटीग्रिटी देखने को मिलती है। तभी 94 सेंटीमीटर के लिए तैयार रहना चाहिए था मुंबई सिटी को, लेकिन 37 सेंटीमीटर बारिश आई और उसको भी नहीं झेल पाई मुंबई सिटी। वैसे देखो, मुंबई सिटी जो है वो वेटेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से एक है। एक साल में ऑलमोस्ट 210 सेंटीमीटर बारिश होती है मुंबई सिटी में, और इस वजह से टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए रिवर्स को रिस्टोर किया जाए और जो कैनल्स हैं, नहर हैं, उनको भी रिस्टोर किया जाए, ताकि अगर बाढ़ आ जाती है भारी बारिश के कारण तो उस बाढ़ को मैनेज किया जा सके। देखो, इस बात का जवाब नहीं दे पाई है महाराष्ट्र की सरकार कि आखिरकार उन्होंने जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए इस सिचुएशन का सामना करने के लिए। वैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने आइडेंटिफाई किया कि वाटर ड्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में काफी डिले हुआ मुंबई में। 2005 में जब मुंबई में फ्लड आई थी तो इस बात पर सहमति बनी थी कि जो मीठी रिवर है, मीठी रिवर की कैपेसिटी को इंक्रीज करना जरूरी है, ताकि फ्लड आती है तो उसे मैनेज किया जा सके। लेकिन देखो, 14 ईयर्स बाद भी मीठी रिवर जो है वो चोक्ड है, जगह जगह पे पोल्यूशन जमा है, इस वजह से पानी आगे जा नहीं पाता। थोड़ी सी बारिश के बाद ही जो मीठी रिवर है वो ओवरफ्लो करने लगी। आगे आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट बात ये कही जाती है, मुंबई, थाने, रत्नागिरी, रायगढ़, इन शहरों को आप ध्यान से देखो, पिछले सेंचुरी में बारिश का जो पैटर्न है वो देखो इस प्रकार का है कि एक ही दम ज़्यादा बारिश आ जाती है। मतलब पहले तो देखो बारिश डिस्ट्रीब्यूटेड ढंग से आया करती थी, थोड़ी आज आई, थोड़ी कल, थोड़ी परसों, लेकिन अब इन सिटीज में क्या होने लगा है, ना सिर्फ इन शहरों में बल्कि देश के विभिन्न इलाकों में बारिश आती तो ज़्यादा है लेकिन एकदम से आ जाती है, एक ही दिन के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। तो हमें देखो इस प्रकार के पैटर्न के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। होता क्या है, एक सिटी में साल के एक समय में बाढ़ आ जाती है और उसी सिटी में साल के किसी दूसरे महीने में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इसके लिए तो सीधी सीधी बात यह है ना कहीं हम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जब बारिश ज़्यादा हुई थी, अगर उसी समय पानी को कंजर्व किया होता, रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर पे काम किया होता, तो कम से कम साल के दूसरे समय में उसी सिटी में ड्रोट का सामना ना करना पड़ता, पानी के क्राइसिस का सामना ना करना पड़ता। तो आर्टिकल में लास्ट में यही सजेस्ट किया जाता है, पीपल सेंट्रिक अप्रोच हमें अपनाने की आवश्यकता है और हमारी सिटीज़ को इस प्रकार से तैयार किया जाए कि भारी बारिश आती है तो भी हमारी सिटीज़ रिजिलियंट हों, भारी बारिश को एब्जॉर्ब कर सकें और जैसा पहले चल रही थी सिटीज़ वैसी ही चलती रहें, और अगर पानी की कमी हो जाती है तो भी भारी बारिश के कारण जो पानी को कंजर्व किया गया था उसी पानी का इस्तेमाल किया जा सके वाटर क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मुंबई में हुई भारी बारिश के बारे में। चलते हैं आगे, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।